थोड़ी सी खराब खबर है अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम के फैन हैं तो। शुभमन गिल को डेंगू होने की वजह से अफगानिस्तान मैच से भी रूल आउट कर दिया गया है और हो सकता है वो पूरे वर्ल्ड कप से भी बाहर हो जाए अगर उनकी रिकवरी टाइम पे नहीं हो पाती है तो। इस केस में मैनेजमेंट कंसिडर कर रहा है दो ऑप्शन उनको रिप्लेस करने के लिए, जिनमें से एक है ऋतुराज गायकवाड और दूसरा है यशस्वी जायसवाल। अगर शुभमन गिल वर्ल्ड कप में आगे नहीं खेलते हैं तो मुझे लगता है कि उनको ऋतुराज गायकवाड से ही रिप्लेस किया जाएगा, क्योंकि जब वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वनडे सीरीज हो रही थी और उसमें पहले दो मैचेस में जब रोहित शर्मा को रेस्ट दिया गया था तो वहां पे इनिंग्स को ओपन ऋतुराज गायकवाड ने ही किया था शुभमन गिल के साथ, और एक मैच में उन्होंने अर्धशतक भी बनाया था। और इसके साथ साथ ऋतुराज गायकवाड हमारी क्रिकेट टीम के कैप्टन भी थे, जिसने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। लेकिन अगर आप मेरी प्रेफरेंस पूछेंगे तो मैं यशस्वी जायसवाल के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि जिस फॉर्म में जायसवाल अभी चल रहे हैं वर्ल्ड कप की सिलेक्शन उस कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बूस्ट देगी। एक बहुत ही सॉलिड बैट्समैन टॉप ऑफ द ऑर्डर जो कि काउंटर अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं पहली ही बॉल से। और दूसरी बात जो जायसवाल के सिलेक्शन को और ज्यादा बेहतर बनाती है इन माय ओपिनियन, वो ये है कि जायसवाल एक लेफ्टी हैं और इस टीम में लेफ्ट हैंडर्स की सख्त कमी है। तो अगर हम अपने टॉप ऑर्डर की बात करें तो ईशान किशन के अलावा आपको यहां पर और कोई लेफ्टी नहीं दिखता, तो एक लेफ्टी का एडिशन भी क्रूशियल साबित हो सकता है टीम के बैलेंस के लिए। तो लेट्स होप कि शुभमन गिल जल्दी से फिट हो जाए, लेकिन अगर वो फिट नहीं हो पाते तो आपकी क्या राय है, ऋतुराज गायकवाड या यशस्वी जायसवाल किसको आना चाहिए टीम में? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।